दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आज की मूवी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री की सबसे डरावनी मूवी है तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं। तो चलो, अगर मैं आपको बताऊं कि इस मूवी के शूट के दौरान क्रू मेंबर्स को काफी डरावनी चीजों का सच में एहसास भी हुआ था, क्या आपका यकीन बढ़ रहा है? आपका जवाब अब जो कुछ भी हो, मगर एक बात में क्लियर कर दूं कि आज का ये वीडियो काफी दिलचस्प रहेगा एंड आई एम श्योर आप इसे याद जरूर रखोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं द एग्जॉर्सिस्ट इस मूवी के एक्सप्लेन की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कहानी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है और इसे किसी बिशप के डायरी में मिले डिटेल्स से बनाया गया है। स्टार्टिंग सीन में हमें रेमंड बिशप नामक एक फादर अपने पुराने दोस्त फादर विलियम इनको कॉल कर एक इंसिडेंट सुनाते हैं, जिसमें एक यंग लड़के को एक आत्मा ने पजेस्ट किया होता है और वो आत्मा काफी शैतानी होती है। उसे निकाल पाना एक टफेस्ट टास्क भी होता है। ये सुनकर फादर विलियम वहां जाने का प्रॉमिस कर कॉल रख देते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि फादर विलियम पिछले 40 सालों से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने आज तक कई लोगों को आत्मा के पजेशन से छुड़ाया था। आज जिस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताया गया था, वो हादसा रेगन नाम के एक छोटे बच्चे संग घट रहा था। रेगन अमेरिका के जॉर्ज टाउन में 1949 में अपने फैमिली संग काफी खुशी से रह रहा था। नेचर से काफी शांत एंड मैच्योर होने वाला रेगन अचानक से काफी वियर्डली बिहेव कर रहा था। वो अपने डैडी की कजिन एलेना इनसे काफी क्लोज था और वो भी उसे काफी पसंद करती थी। रेगन को मिलने के लिए वो कुछ वीकेंड्स उनके घर जरूर आती थी। एलेन को भूत प्रेत इन सब पर काफी विश्वास था, जिस वजह से वो रेगन के साथ मिलकर उंजा बोर्ड को यूज कर आत्माओं से कॉन्टेक्ट करते हैं। रेगन की माँ एमी को ये सब बातें बकवास लगती थी, इसलिए उन्होंने कभी उन लोगों को टोका भी नहीं था। ऐसे ही एक वीकेंड पर एलेना और रेगन उंजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा से कनेक्ट होकर कोई बात जानने की कोशिश करते हैं, मगर उस दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है। हड़बड़ाहट में उन लोग बोर्ड को बंद कर देते हैं और उस रात एलेना अपने घर लौट जाती है। उसी रात घर में एमी को टैप से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है, मगर चेक करने पर सब टैप बंद ही होते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एलेना की अचानक से मौत हो जाती है, जिस वजह से वो पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। रेगन इस खबर से काफी नाराज हो जाता है और उसे इस सदमे से उभरने में कुछ दिन लग जाते हैं। इसी बीच अब रेगन के घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे, जैसे कि किसी के चलने की आवाज सुनाई देना, घर के वॉल क्लॉक का अचानक से बजना, गॉड की फोटो हिलने लगना। ये सब बातों को वो फैमिली शुरुआत में तो काफी लाइटली लेती है, मगर एक दिन रेगन अपने रूम में काफी डर कर चिल्ला रहा होता है। वहां जाकर देखने पर उसका बेड अपने आप जोरों से हिल रहा है, ये वो देखते है। ये नजारा देख वो सब डर जाते हैं। रेगन को अपने कमरे में ओलफ शिफ्ट कर देते हैं। उसी रात रेगन के फेस पर रेड मार्क्स आ जाते हैं, जैसे उसे किसी ने मारा हो। अब रेगन मेंटली भी अनस्टेबल होने लगा था, जो देख उसके घर वाले उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को ये बातें नॉर्मल लगती है और वो ये सब प्यूबर्टी के साइन से ऐसा बताते हैं, मगर रेगन की ग्रैंड मदर विली इनको ये सब अजीब लगता है और वो रेगन के डैडी को बिशप से कांटेक्ट करने बोलती है। अगले ही दिनों लोग रेमंड बिशप इनके पास जाकर रेगन को दिखाते हैं। उसे देखते ही रेमंड बिशप समझ जाते हैं कि एक काफी शैतानी आत्मा के अंडर पजेस है, इसलिए वो फादर विलियम को कॉन्टेक्ट करते है। फिर कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हम देखते हैं कि फादर विलियम, रेमंड बिशप और रेगन के पेरेंट्स इस घटना पर डिस्कस कर रहे होते हैं। फादर विलियम अगले रोज रेगन को पर्सनली मिलने की बात बताकर वहां से लौट जाते हैं। अगले दिन पूरी तरीके से रेडी होकर फादर विलियम और रेमंड बिशप रेगन के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वो कुछ गॉड की प्रेयर्स बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर सो रहा रेगन जग जाता है और एकदम अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। फादर विलियम जैसे जैसे अगली प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं, वैसे रेगन के अंदर का शैतान बेबस होकर चिढ़ने लगता है।
विलियम अब समझ जाते हैं कि ये आत्मा एक यंग आदमी की है और उसे बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी होगी। और रेमंड बिशप को एक डायरी मेंटेन कर उसमें डे टू डे की सभी बातें नोट डाउन करने के लिए बोलते। अगले दिन से वो रेगन के ऊपर एक्सोरसिज्म की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एक्सोरसिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान के शरीर से आत्मा को निकालने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स की जाती है। ये प्रोसेस अगले 3 दिन तक चलती थी। रेगन काफी तड़प रहा था, साथ ही उसके अंदर चल रहे उस आत्मा की तड़पने की वजह से वो काफी कमजोर भी पड़ने लगा था। एक रात जब एक्सोरसिज्म की प्रोसेस चल रही थी तब अचानक से रेगन चिल्लाकर रूम की खिड़की खोलने बोलता है। वैसा करने पर एक तेज हवा का झोंका खिड़की से बाहर जाता है और रेगन शांत हो जाता है। अब रेगन थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था। सब लोग रिलीफ महसूस करते हैं और फादर विलियम लौट जाते हैं, मगर वो शैतान फिर से रेगन के शरीर में एंटर करता है और उसे तकलीफ देने लगता है। ये बात रेगन के घर वाले जब फादर विलियम को इन्फॉर्म करते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि इस आत्मा ने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। आमतौर पर फादर विलियम को कभी गुस्सा नहीं आता था, मगर अब इस बार वो काफी अलग मूड में थे। वो अब डिसाइड करते हैं कि बाप्टिज्म प्रोसेस को वो शुरू करेंगे। बाप्टिज्म एक और कड़ी प्रोसेस होती है जिससे आत्मा काफी परेशान हो जाती है। जैसे ही फादर विलियम ये प्रोसेस शुरू करते हैं, रेगन काफी गंदे तरीके से चिल्लाता था और गालियां देने लगता था, जिस बात से पड़ोस में रहने वाले लोग डिस्टर्ब होते थे। इसलिए वो अब रेगन को एक कैथोलिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहां उस पर अच्छे से बाप्टिज्म कर सके। वो अपने संग और कुछ एक्सपीरियंस बिशप्स को भी बुला लेते हैं। अब काफी कड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। वो आत्मा सभी बिशप्स के हौसले टूट जाए ऐसे वर्ड्स में उनका इंसल्ट करने लगती है। कभी कभी तो वो कुछ चीजें उनके ऊपर फेंक देती है। एक बार तो वो एक पेज पे मैसेज लिखती है कि मैं इसका बदला अगले 10 दिनों में लूंगा। ये पढ़कर वो बाकी के बिशप्स डर जाते हैं, मगर फादर विलियम उन्हें उसे इग्नोर करने बोलते हैं। आखिर में फादर विलियम समझ जाते हैं कि इस आत्मा को अब अंदर ही दबा के रखना होगा, इसलिए वो एक होली सोल को रेगन के बदन में छोड़ एंटर कर देते हैं। अब रेगन के बदन में उन दो आत्माओं का संघर्ष होने लगता है, जिस वजह से रेगन काफी डिस्टर्ब होता है, मगर अगले कुछ ही दिनों में वो एकदम नॉर्मल सा फील करने लगता है। शैतान कितना भी बुरा और जिद्दी हो, होली स्पिरिट्स के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अब कभी कभार रेगन को दोहरे आते थे और ठीक हो रहा था। एक रोज उसके बदन पे एक जख्म होता है जिसमें आई क्विट ऐसा मैसेज दिख रहा था। फिर रेगन के अंदर से दो अलग अलग इंसानों के लड़ने की आवाज आने लगी थी। एक समय पर वो आवाज तेज होती गई और एक बड़ा हवा का झोंका रूम से बाहर निकल गया, जिसके बाद रेगन बेहोश हो गया और जब वो उठा तब वो मुस्कुरा रहा था। फादर विलियम ने उसे कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और उसके अंदर की होली सोल को भी मुक्त कर दिया। फिर रेगन को घर जाने की परमिशन मिल गई। बेचारे इस छोटे बच्चे को करीब 32 दिनों तक बाप्टिज्म की एक कठिन प्रोसेस झेलनी पड़ी थी। घर लौटने के बाद उसने अपनी आगे की जिंदगी काफी नॉर्मल तरीके से गुजारी। उसके आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई थी, जिस वजह से उसके पड़ोसियों को छोड़कर ज्यादा ये बात नहीं फैली, मगर फिर भी कुछ लोगों ने उसके बारे में खोज शुरू कर दी और उन्हें पता चला कि वो लड़का बड़ा होकर अमेरिका के शिकागो में जॉब कर रहा है। उससे पूछने पर उसने इन सब बातों को मना कर दिया था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्टर नाम के एक बिशप भी मौजूद थे, जिन्होंने एक चैनल को इस बारे में इंटरव्यू भी दिया था। फादर विलियम इस घटना के करीब 35 सालों बाद गुजर गए थे। उनसे लाख पूछने पर भी उन्होंने कभी इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी। न्यूज में ऐसा भी बताया जाता था कि रेगन नाम के उस लड़के ने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया था, यहाँ फिर उसे मेंटल डिसऑर्डर थी। मगर जब रेगन की आइडेंटिटी ही रिवील नहीं हुई तो इसे पब्लिसिटी स्टंट कैसे कहा जा सकता है। साथ ही अगर उसे मेंटल डिसऑर्डर थी तो वो सिर्फ 32 दिनों के ट्रीटमेंट में ही कैसे ठीक हो गया, और इस ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रोफेशनल डॉक्टर भी वहां मौजूद नहीं था। और इस मूवी में भी लड़के की जगह लड़की को दिखाया गया है। उसका कारण यही है कि उनको उस लड़के की आइडेंटिटी छुपानी है। ये मूवी जब 1973 में रिलीज हुई थी तब इसे देखकर कई लोग डरकर अपने पापों को कन्फेस करने चर्च में जाते थे।
खबरों को माने तो उस साल क्राइम रेट भी काफी कम हो गया था। साथ ही इस मूवी को बनाते वक्त क्रू टीम को भी काफी डरावने एक्सपीरियंस आते थे, जैसे कि अचानक लाइट्स चले जाना, टॉयलेट में अचानक पानी चालू होना, कभी कभी कैमरा में अचानक रोलिंग शुरू हो जाना। कुछ लोग इसे फिल्म को पॉपुलर करने के ट्रिक्स भी समझते थे, मगर सच्चाई क्या है ये तो हम अब जांच नहीं सकते। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म हो जाता है। मेरा अंदाज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करना ना भूले। अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। गुड बाय।